हेलो एवरीवन, मैं शेफ आरती जापकर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो हेलो एवरीवन, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अमूल का, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। उन्होंने मुझे आज दूसरा मौका दिया है। आज अपनी रेसिपी है मिडनाइट स्नैकिंग। आज की रेसिपी है चीजी गार्लिक ब्रेड विथ चीज डी। रातों कैसे होता है, हमेशा हम लोग भले भरपेट खाना खा लेते हैं तो कभी कभी 12 बजे 1 बजे हमें ना बहुत भूख लग जाती है, तो स्नैक आइटम हम लोग क्या खा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो ऐसे इंस्टेंट जैसे कि 10-15 मिनट में हो जाए, हम लोग खा ले तो हम लोग का थोड़ा सा आराम मिल जाए, तो वैसे ही आज हम लोग रेसिपी बनाने वाले हैं। तो आज की रेसिपी है चीजी गार्लिक ब्रेड विथ चीज डिप। यहाँ पे अपने अमूल का ब्रेड लिया हुआ है, अमूल का ब्रेड है, अमूल का पाव, पिज्जा बेस, और यहाँ पे आज हम लोग गार्लिक ब्रेड बनाने वाले हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, बटर में गार्लिक चॉप करके उसको हम लोग हर्ब्स या फिर ऑरिगैनो जो भी स्पाइसेस है हम लोग मिला के उसको गार्लिक बटर बनाते हैं। बट यहाँ पे अमूल का गार्लिक एंड हर्ब्स बटर स्प्रेड है, ये हम लोग यूज़ करने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने चीज डिप के लिए अमूल चीज स्प्रेड, ये स्पाइसी गार्लिक है तो इसमें भी गार्लिक डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये हम लोग यूज़ करने वाले हैं। और ये है चीज, तो हम लोग यूज करने वाले। तो सो हेलो एवरीवन, आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे पूछो। आपको सबको मेरी आवाज आ रही है, वीडियो क्लियर है, प्लीज मुझे रिप्लाई में कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए कि वॉइस एंड वीडियो इज क्लियर, तो मैं आगे स्टार्ट करूं। हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। वॉइस एंड वीडियो इज क्लियर प्लीज, मेरी आवाज आ रही है आपको, वीडियो क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। सभी को मेरी आवाज आ रही है, ओके थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे मैं अमूल का ब्रेड ले रही हूँ, मिडनाइट स्नैकिंग हम लोग स्नैक बना रहे हैं। यहाँ पे ब्रेड, ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, गार्लिक एंड हर्ब्स बटर स्प्रेड। गार्लिक हनप्स बटर स्प्रेड, ब्रेड को मैं बटर स्प्रेड कर रही हूँ। बहुत ही टेम्पटिंग रेसिपी है ये, मेरे तो फेवरेट है। और थैंक्स टू अमूल जिन्होंने ये गार्लिक एंड हर्ब्स बटर स्प्रेड बनाया, तो टाइम भी बच जाता है और आसानी से हम लोग जब चाहे मन चाहे हम बना सकते हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकते हो। बहुत ही इजी रेसिपी है ये। यहाँ पे मैं 3 ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे थैंक्स टू अमूल, चीज, जिन्हें चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, बटर बहुत ज़्यादा पसंद है, उनके लिए स्पेशली ट्रीट है। थोड़ा सा मैं चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आपको चाहिए तो आप कर सकते हो, वरना नहीं किया तो भी चलेगा।
थोड़ा सा ब्लैक पेपर, बटर नहीं, बटर लगाया मैंने अभी, गार्लिक बटर लगाया हुआ मैंने मिस्टर राहुल। तो यहाँ पे मैं गार्लिक एंड हर्ब्स बटर स्प्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ, एक लेयर। चाहे तो अभी एक लेयर बना सकते हो, बट मैं यहाँ पे टू लेयर बना रही हूँ। तो अगेन चीजी गार्लिक ब्रेड है ये, चिली फ्लेक्स ये ऑप्शनल है, ब्लैक पेपर क्रश किया हुआ, अभी ये जाएगा ऊपर। ओके, थोड़ा सा बटर में इसे लगा लेती हूँ, गार्लिक एंड हर्ब्स बटर स्प्रेड है ये। तब तक मैं यहाँ पे ग्रिल पैन गरम करने रख देती हूँ। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप नॉर्मल पैन पे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसे लेयर बनाया, अगर आप चाहो तो एक लेयर बना सकते हो, बट मैं यहाँ पे तीन लेयर का इस्तेमाल कर रही हूँ। रेसिपी नेम चीजी गार्लिक ब्रेड विद चीज डिप। तो ये अभी बटर का जो साइड है आपको सभी को दिखाई दे रहा है, बटर का जो साइड है मैं ऐसे उल्टा रख रही हूँ। ओके, तो अभी इसके ऊपर हम लोग फिर से ये गार्लिक एंड हर्ब्स बटर स्प्रेड है मैं लगा देती हूँ, ऐसा कम कर रही हूँ। मिडनाइट रेसिपी है ये, अभी हम लोग बहुत भूख लगती है और जल्द से ऐसी कोई रेसिपी हम लोग को बनानी हो तो ये रेसिपी बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपके पास कोई भी ब्रेड स्लाइसेस हो, पाव हो, तो हम पाव का भी ऐसे बना सकते हैं। एक साइड से, तब तक मैं और एक बना लेती हूँ। सभी को वीडियो वॉइस क्लियर है, अगर कोई हो तो प्लीज बोल देना मुझे, मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? हेलो एवरीवन, सपना कोजागिरी चा हार्दिक शुभेच्छा सभी को, ईद मुबारक। टोस्टर में टोस्ट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, हम लोग टोस्टर में टोस्ट कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग ब्रेड टोस्ट करके, टोस्ट होने के बाद फिर हम लोग उसको गार्लिक और जो स्प्रेड है बटर वो लगा सकते हैं। हम लोग ये पूरा टोस्टर में नहीं डाल सकते क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे चीज डाला हुआ है। अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे आप करते हो 2 से 3 मिनट तो आप डाल सकते हो, रख सकते हो टोस्टर पर। इसके ऊपर आप वेजिटेबल भी डाल सकते हो अगर आपके पास हो तो, अगर आपको चाहिए वेजिटेबल को ब्लांच कर दीजिए, उसके स्लाइसेस करके आप रख सकते हो। देख लेती हूँ, अच्छे से बढ़िया ग्रिल हो गया है।
दूसरा भी मैं रख देती हूँ इसमें। खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है गार्लिक एंड हर्ब्स की। मिडनाइट स्नैकिंग चीज़ी गार्लिक ब्रेड विथ चीज़ डिप, ये अपनी रेसिपी का नाम है। बहुत ही जल्द होने वाली रेसिपी है ये। किसी कोई क्वेश्चन पूछना है तो किसी क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हो। ये हो गया, मैं निकाल देती हूँ। इसे अच्छे से मैं काट लेती हूँ। चीज़ी गार्लिक ब्रेड साइड डिप का क्या होगा? बना रही हूँ मैं, बना रही हूँ। डिप फटक से बन जाएगा अपना। डिप को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे ये ग्रिल हो गया, ग्रिल यहाँ पे हम लोग डिप बना लेंगे। गार्लिक पेस्ट कब लगाना है? गार्लिक पेस्ट मैंने ब्रेड को लगाया हुआ था। यहाँ पे हम लोग ब्रेड स्लाइस लिया था, ये ब्रेड स्लाइस है। इसे मैंने गार्लिक एंड हर्ब्स ब्रेड का स्प्रेड है जो लगाया था। तीन ब्रेड लिया मैंने, एक को लगाया फिर चीज में डाला, उसके ऊपर सेकेंड स्लाइस और थर्ड स्लाइस। मैं फटाक से चीज डिप बना लेती हूँ। अमूल बटर, ये प्लेन वाला बटर है। यहाँ पे हम लोग अभी चीज डिप बना रहे हैं, प्लेन बटर। ऐसे व्हाइट सॉस हम लोग बनाते हैं पास्ता के लिए, व्हाइट सॉस उसका बेस ही हम लोग बना रहे हैं। हाफ टी स्पून मैदा, इसे उसको सॉटे कर लेंगे। ये व्हाइट सॉस का बेस है। तीन ब्रेड से ज्यादा यूज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। साइड डिप का रेसिपी मिलेगा क्या? अभी वही बना रही हूँ मैं,
अभी मैंने 1 टेबल स्पून बटर लिया था, तो 1/2 टीस्पून मैंने मैदा डाला है, वही रेसिपी बना रहे हैं। अमूल मिल्क जैसे कि 1/2 कप, सॉल्टेड बटर, हाँ सॉल्टेड बटर यूज किया हुआ है मैंने, यहाँ पे मैं चीज स्प्रेड यूज कर रही हूँ, ये स्पाइसी गार्लिक है, इसमें प्लेन भी आ जाता है, आप चाहे जो भी यूज कर सकते हो, प्लेन यूज करो या फिर स्पाइसी गार्लिक यूज करो। हम लोग यहाँ पे गार्लिक ब्रेड विद डिप बना रहे हैं, तो मैं यूजुअली यहाँ पे यूज कर रही हूँ गार्लिक फ्लेवर और ये स्पाइसी है। ओके चीज स्प्रेड, क्या बना रही हो? चीज डिप बना रही हूँ ये मैं, चीजी गार्लिक ब्रेड बन गया अपना, तो इसके लिए अभी ये चीज डिप बना रही हूँ, ये गार्लिक ब्रेड है, अभी ये डिप बना रही हूँ मैं, चीज डिप है ये। पहले हम लोगों ने बेस बना लिया है बटर और मैदा, बाद में उसमें मिल्क डाला है, अभी मैंने चीज ब्रेड डाला हुआ है, तो ये चीज डिप बन गया अपना, मुझे क्रीमी टेक्सचर चाहिए, तो ज़्यादा मैं इसको गाढ़ा नहीं कर रही हूँ, अच्छे से मैं मिला देती हूँ इसको। ब्लैक पेपर ऑप्शनल, आप चाहे चिली फ्लेक्स डाल सकते हो, बट यहाँ पे मैंने स्पाइसी गार्लिक चीज पेस्ट यूज़ किया हुआ है, इसलिए मैं चिली फ्लेक्स यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ, भी अच्छा सा मैं अभी सॉस डीप रेडी हो गया, बाउल में निकाल लेती हूँ मैं। क्लीन कर लेती हूँ मैं टेबल, रेसिपी को अच्छे से हम लोग थोड़ा सा गार्निश कर देंगे यहाँ पे। यहाँ पे मैंने पाइपिंग बैग लिया हुआ है, ये चीज स्प्रेड है, चीज मैंने डिप बनाया हुआ है, तो आज की मिडनाइट स्नैकिंग चीजी गार्लिक ब्रेड विद चीज डिप रेडी है, तो आप जरूर ट्राई कीजिए मिडनाइट स्नैकिंग रेसिपी। तो आशा करती हूँ आप सभी को ये रेसिपी पसंद आई होगी, किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, अपने पास और 5-10 मिनट हैं।
किसी को रेसिपी के बारे में पूछना है, मेरी रेसिपी कैसी लगी आप सबको पसंद आई होगी। तो एक बार रेसिपी फिर से आप देख लीजिए। अगेन थैंक्स टू अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया जो मुझे आप दूसरी बार मौका दिया है अपनी रेसिपी पेश करने का। सो थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच सभी आपको जो आप इतनी रात गए आप मेरी रेसिपी के लिए रुके हो, मेरी रेसिपी देख रहे हो। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। सो थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट टू एवरीवन। सगळ्यांना कोजागिरीच्या हार्दिक शुभेच्छा, पुन्हा सबको ईद मुबारक। सो गुड नाइट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।